कार्टून और फिल्म की ये जो है कोई शरई हैसियत, क्योंकि ये जो एक साहब हैं वो तो उनके अपने चैनल कार्टून पे तो मदरी चैनल पे भी आ रहे हैं, तो ठीक है ना, जायज हो गए ना आप। सबसे ज्यादा अगर कोई इतराज था तो मदरी चैनल वालों का था, तो जायज हो गए। हाँ इस्लामिक, बाकी जो उससे वो सिखा रहे हैं वो गैर इस्लामिक है, कार्टून इस्लामिक है। नहीं मतलब जैसे आपने कहा था कि कोई अगर हॉलीवुड की फिल्में देखता है तो उसको अपना अकीदा यानी बुजुर्गों का जमूत तोड़ने के लिए पी के देख ले, मतलब आपने उस वक्त ये नहीं कहा था पीके? नहीं मैंने कहा था, मैंने कहा था उमर सीरीज, उमर सीरीज वो पीके की बात पीके है, तो पहले ही उसने देख लिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा तो वैसे वो आई थी उमर सीरीज 2000, ये उसी तरीके से मैं कहता हूँ, एक बिल्ली रोस्ट है एक कुत्ता रोस्ट है, भूखा है खा ले बिल्ली रोस्ट। लेकिन वैसे फायदा तो काफी होता है, मैं कहता हूँ अगर मैंने अपने ओ लेवल के इस्लामियात से पहले उमर सीरीज देख ली होती मेरा स्टार आ जाना, मतलब काफी सीखने को तो मिल सकता है उससे। उमर सीरीज जो है ना वो उसने अरब दुनिया में बिजली भर दी है, जिसका सबूत यह है कि यूट्यूब ने उमर सीरीज डिलीट कर दी है। उन्होंने कहा कहीं अरब स्प्रिंग दोबारा ना आ जाए, क्योंकि जब अरब का नौजवान देखता है कि इस तरह रेवोल्यूशन आई थी, इस तरीके से हमने कादसिया जीती थी, हमने यरमूक यूं जीती थी, हमने ये किया था, तो बिजली भर जाती। अरब के नौजवानों में उमर सीरीज ने बिजली भर दी है, तो मैं तो उमर सीरीज को बहुत बड़ी नेमत समझता हूँ। तो मतलब अगर कोई ड्रामा है जिसके अंदर अगर कभी कोई इनअप्रोप्रिएट सीन आए उसको अगर आगे कर दिया जाए, हाँ ठीक है सीखने के लिए, हाँ हाँ देखें, हाँ, क्यों नहीं देखें, देखें जाना, शुक्र है। अच्छा नहीं सिर्फ मैं अपना कुत्ता लाल नहीं कर रहा था, बाकी ये कुत्ता है ही नहीं था मेरे भाई, कुत्ते और हैं बहुत बड़े जो जबा करने की जरूरत है।